किसी गांव में मोहनलाल और केतकी नाम के दो पति पत्नी रहते थे। शादी के कई साल बीत जाने पर भी उनकी कोई संतान नहीं थी, पर फिर भी उनकी आस्था भगवान के प्रति कम नहीं हुई। वो दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करते और हर हाल में खुश रहते। मोहनलाल एक गरीब किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो गेहूं की फसल उगाया करता था। गेहूं बाजार में बेचकर उसे जो पैसे मिलते हैं उन्हें से उनका घर का गुजारा चलता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और समय के साथ वो दोनों बूढ़े हो गए। अब मोहनलाल से पहले की तरह खेतों में काम नहीं हो पाता था। वो अक्सर बिस्तर पर बीमार पड़ा रहता, लेकिन घर पर कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था। इसलिए एक दिन हिम्मत कर वो जैसे तैसे खेतों में काम करने जा ही रहा था कि तभी केतकी बोली, सुनो जी, आप कहाँ जा रहे हो? आपके दो दिन से तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पर ही रहो। जाना ही पड़ेगा भाग्यवान, नहीं तो खाने के लिए हमें अनाज कौन देगा? वैसे भी अभी इन बूढ़ी हड्डियों में जान है। घर का सारा राशन लगभग खत्म ही हो चुका है, पर तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, आप खेतों पर काम कैसे करोगे? काश हमारी कोई संतान होती तो हमें इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता, वही हमारे बुढ़ापे का सहारा होता। सही कहा आपने, भगवान ने मेरी सूनी गोद नहीं भरी, शायद हमारे नसीब में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। हम ही तो एक दूसरे का सहारा है, मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। अब आपकी उम्र हो चुकी है, आप कब तक अकेले खेतों में काम कर पाएंगे? दुखी मत हो भाग्यवान, जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे तब तक मैं दो वक्त का खाना जुटाने के लिए काम करूंगा। पर यदि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, ये सोचकर परेशान हो जाता हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, देखना भगवान एक दिन हम पर जरूर मेहरबान होंगे, मेरी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी। इसी तरह बेचारे बूढ़े पति पत्नी के दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन अचानक मोहनलाल की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। ये देख केतकी बोली, सुनो, आज खेतों पर जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको कल रात से बहुत तेज बुखार है। अगर मैं खेत पर नहीं जाऊंगा तो हम क्या खाएंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैंने आंगन में कुछ हरी सब्जियां लगाई है, उसी से हमारा काम चल जाएगा। वैसे भी हम दो लोग ही तो हैं, कौन सा ज्यादा खा पाएंगे? आप बस आराम करो, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। इतना कहकर केतकी आंगन में जाकर हरी सब्जियां तोड़ने लगी। अच्छा हुआ मैंने आंगन में हरी सब्जियां लगा रखी थी, बुरे वक्त में काम आ रही है। चलो अब जल्दी से उनके लिए सब्जी बना देती हूँ। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। केतकी ने फटाफट से सब्जी काटी, फिर उन्हें धोकर कुछ मसालों के साथ चूल्हे पर चढ़ा दिया। चलो जब तक सब्जी बनकर तैयार हो जाती है तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। केतकी ने जैसे ही आटे का डब्बा खोला तो उसमें थोड़ा सा ही आटा बचा हुआ था। अरे इसमें तो थोड़ा सा ही आटा है, अभी के लिए तो काम चल जाएगा, कल की कल देखी जाएगी, शायद भगवान ही कुछ चमत्कार दिखा दे। केतकी आटा गूंद कर रोटी बनाने लगी, तभी उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई दी। कोई है यहाँ? मुझ भूखे को कोई खाना खिला दो, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया। आवाज सुन केतकी मन ही मन बोली, लगता है बाहर बाबा आए हैं, मैं तो दुविधा में पड़ गई, मेरे पास रोटी तो बहुत कम है, अगर उन्हें दे दूंगी तो हमारे लिए नहीं बच पाएगी। हे भगवान क्या करूं? लेकिन उन्हें भूखा पेट भेजना पाप होगा। मैं काम करती हूँ, अपने हिस्से की रोटी उन्हें खाने को दे देती हूँ, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। ये कहते हुए केतकी प्लेट में थोड़ी सब्जी और अपने हिस्से की रोटी लेकर बाहर आई। लीजिए बाबा, आप यहाँ आराम से बैठकर खाना खा लीजिए, मैं तब तक आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर केतकी पानी लेने अंदर चली गई। पर जब तक वो पानी लेकर बाहर आई तब तक बाबा खाना खाकर जा चुके थे। अरे ये बाबा कहाँ चले गए, अभी तो यही थे। ये कहते हुए केतकी हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी।
तभी उसे कुछ दूरी पर एक आटे की बोरी दिखाई दी। अरे आटे की बोरी, यहाँ कौन रख गया? कुछ देर पहले तो यहाँ नहीं था। लगता है भगवान ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। आटे की बोरी से कुछ दिन तक गुजारा तो चल ही जाएगा। भगवान का शुक्रिया कर कीत की आटे की बोरी को जैसे तैसे रसोई में ले गई। फिर अगली सुबह जब कीत की आटा गूंद रही थी, तभी उसने आटे के छोटे गोले से एक छोटी बच्ची का आकार बनाते हुए बोली, ये रही छोटी सी नाक और ये रही गोल मटोल आंखें। अगर मेरी कोई बेटी होती तो उसका चेहरा भी बिल्कुल ऐसा ही होता। लेकिन हाय मेरी फूटी किस्मत, एक बेटा ना सही, एक प्यारी बेटी तक नहीं दी ऊपर वाले ने। ये कहते हुए केतकी के आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पति की तबीयत खराब है और मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब हम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? लाचार और बेबस केतकी के आंसू उस आटे से बनाए हुए छोटी सी लड़की के पुतले के ऊपर गिरने लगे। फिर अचानक ही उस पुतले में जान आ गई और वो बोली, आज से मैं ही आपकी बेटी हूँ माँ, अब तुम रोना बंद करो, मैं हूँ ना आपका देखभाल करने के लिए। क्या तुम मेरी बेटी हो? मुझे एक बार फिर से माँ कहकर पुकारो ना। हाँ माँ, मेरी प्यारी माँ, अब मैं आ गई, मैं आपकी और बाबा की सेवा करूँगी और घर का सारा काम भी करूँगी। बेटी तुम तो बहुत ही छोटी हो, तुम काम कैसे कर पाओगी? माँ तुम मेरे आकार पर मत जाओ, मैं सारा काम चुटकियों में कर लूँगी, अब बताओ मुझे क्या काम करना है? बेटी घर में एक भी पैसा नहीं है, तुम्हारे बाबा की दवाई लाने के लिए पैसे चाहिए। मैंने आंगन में कुछ सब्जियाँ उगाई हुई है, तुम इन्हें बाजार में बेच जाओ, रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, संभल कर जाना ठीक है? आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो माँ, मैं सारी सब्जियाँ बेच कर ही आऊँगी। इतना कहकर बड़ी मुश्किल से सर में सब्जी की टोकरी उठाकर छोटी सी लड़की बाजार की ओर चल पड़ी। राह में जो भी उसे मिलता सब हैरानी से देखने लगे। तभी कुछ दूरी पर उसे एक चूहा मिला जो आटे की गंध पाकर उसकी फ्रॉक खींचने लगा। छोड़ मेरी फ्रॉक बदमाश चूहे, छोड़! ये कहते हुए छोटी सी लड़की ने सड़क किनारे पड़ी एक लकड़ी से चूहे को दूर भगाया। कुछ दूर चलने पर एक बिल्ली उसके पीछे पड़ गई। म्याऊ, 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 म्याऊ। बिल्ली उस पर झपट्टा मारने के लिए दौड़ी। ये देख नन्ही लड़की घबराकर सब्जी की टोकरी छोड़ सरपट भागने लगी। कोई बचाओ मुझे, ये नासपीटी बिल्ली मुझे खा जाएगी। माँ कहाँ हो तुम, बचाओ मुझे। नन्ही लड़की दौड़ते दौड़ते बाजार जा पहुँची। तभी एक दुकान पर उसे एक आटे की बोरी दिखाई दी। वो फौरन उस बोरी के अंदर कूद गई। ये देख बिल्ली उस बोरी के आसपास घूमने लगी। फिर अचानक बोरी में हलचल होने लगी और आटे की बोरी फट गई। उसके बाद उसमें से आटे से बनी हुई एक सुंदर जवान युवती बाहर आई। अरे वाह, मैं तो एकदम से इतनी बड़ी हो गई, अब मुझे कोई भी डरा नहीं पाएगा। ए बिल्ली चल भाग यहाँ से, चली थी मुझे डराने। ये देख बिल्ली दुम दबाकर भाग गई। उसके बाद लड़की ने सर पर सब्जी की टोकरी उठाई और बाजार में सारी सब्जियाँ मिनटों में बेच दी। सब्जी बेचे हुए पैसों से उसने बुखार की दवाई खरीदी और बाकी बचे हुए पैसे लेकर खुशी खुशी वो घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर वो केतकी को पुकारने लगी। माँ कहाँ हो तुम? माँ क्या ये तुम हो बेटी, तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई? माँ दरअसल रास्ते में एक शैतान बिल्ली मेरे पीछे पड़ गई थी, उससे बचने के लिए मैं भागकर एक आटे की बोरी में छुप गई थी। बस फिर क्या था, एक साथ सारा आटा मुझ पर जुड़ने की वजह से मैं बड़ी हो गई। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। तभी बिस्तर पर लेटा हुआ बीमार मोहनलाल ने कहा, भाग्यवान तुम किससे बातें कर रही हो, इस घर में हमारे सिवा तीसरा है ही कौन, लगता है पागल हो गई हो। अजी
तुम भी सुनोगे तो खुशी के मारे नाचने लगोगे। देखो ये हमारी बेटी है। बेटी? मैं कुछ समझा नहीं, ये हमारी बेटी कैसे हो सकती है? हाँ बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ। सुनिए जी, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। ये कहते हुए केतकी ने सब कुछ विस्तार से बताया, जिसे सुन मोहनलाल हैरानी के साथ खुश भी था। तभी लड़की बोली, माँ ये लीजिए बाबा की बुखार की दवाई और बाकी बचे हुए पैसे। जीते रहो मेरी बेटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आज से मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ बकुनी। उस दिन के बाद से बकुनी केतकी और मोहनलाल की खूब सेवा करने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर एक दिन अचानक आधी रात के समय उनकी झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें बूढ़े पति पत्नी की जान दो गांव वालों ने बचा ली, लेकिन बकुनी की आग में जलकर मौत हो गई। अपनी बेटी बकुनी की मृत शरीर को देखकर केतकी फूट फूट कर रोने लगी। हमारी किस्मत में संतान का सुख लिखा ही नहीं था। मेरी प्यारी बेटी, देखो जी इसे क्या हो गया। मैंने तो भगवान से इसकी लंबी उम्र मांगी थी, पर उन्होंने इसे मुझसे छीन लिया। चुप हो जा भाग्यवान, होनी को कौन टाल सकता है। हिम्मत रख, अब रोकर क्या होगा। देखो जी, मेरी प्यारी सी बेटी चलने के बाद इसका रंग बिल्कुल रोटी जैसा हो गया है। ये कहते हुए केतकी के आंखों से आंसू जब बकुनी के मृत शरीर पर गिरे तो वो फिर से जिंदा हो गई। माँ, ओ माँ मत रो, देखो मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दरअसल आग में जलने के बाद मैं पूरी तरह इंसान बन दरअसल आग में जलने के बाद मैं पूरी तरह इंसान बन गई हूँ। मेरी बेटी लौट आई, तुम जिंदा हो गई। हाँ माँ, अब मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और आप दोनों की खूब सेवा करूंगी। ये कहते हुए बकुनी ने अपने बूढ़े माता पिता को गले से लगा लिया और सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल विनी टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें। सलोनी अनाथ थी, उसके माता पिता नहीं थे, वो अपनी चाचा चाची के साथ रहते थे। सलोनी दिखने में तो सुंदर नहीं थी, पर वो सीधी साधी और सरल स्वभाव की थी। घर का सारा काम बेचारी सलोनी अकेली ही किया करती थी। सलोनी की चाची मधुरिमा की एक बेटी थी जिसका नाम था मोहिनी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन स्वभाव से वो बहुत घमंडी थी। मधुरिमा और उसकी बेटी मोहिनी सारा दिन भर बस सलोनी पर हुकुम चलाया करती थी। एक दिन की बात है, सलोनी कहाँ मर गई? कितनी देर हो गई है, अभी तक तुझसे घर की साफ सफाई नहीं हुई। अभी तुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, जल्दी जल्दी हाथ चला। बस हो गया चाची जी, अभी खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, खाना जल्दी बन जाना चाहिए। इतने में वहाँ मोहिनी आई और बोली, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, क्या अभी तक कुछ बना नहीं? नहीं बेटा, इस करमजली ने अभी कुछ नहीं बनाया, पर तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ मंगवा देती हूँ। बताओ तुम क्या खाओगी? पिज्जा, बर्गर और समोसे मंगवा दो। इधर आ सलोनी, जा जाकर पहले मेरी बेटी के लिए बर्गर, पिज्जा और समोसे लेकर आ। ये कहते हुए मधुरिमा ने सलोनी को कुछ पैसे दिए। सलोनी बाजार गई और चाची के कहे अनुसार खाने का सामान खरीदा। सुबह से सलोनी ने कुछ नहीं खाया था, उसे भी बहुत जोरों की भूख लग रही थी। वो घर लौटते हुए मन ही मन सोचने लगी, भूख तो बड़ी जोरों की मुझे भी लग रही है, मेरा बहुत मन कर रहा है एक समोसा निकाल कर इसमें से खा लूं, लेकिन अगर चाची को पता चल गया तो मुझे बहुत मारेंगी। ऐसा सोचकर सलोनी मन मारकर घर की ओर जाने लगी। घर पहुंचते ही मधुरिमा बोली, आ गई महारानी, इतनी देर कहाँ लगा दी? जरूर बाजार में नैन मटक्का कर रही होगी। चल पकड़ा मुझे खाने का सामान, मेरी बिटिया को बहुत तेज भूख लग रही है, और जाकर अपना काम कर। चाची जी मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी एक समोसा दो ना। पहले जाकर घर का सारा काम निपटा, उसके बाद ही तुझे कुछ खाने को मिलेगा, समझी? बेचारी सलोनी भूखी पेटी घर के कामों में जुट गई। सारा काम खत्म कर जब सलोनी रसोई में गई, प्लेट पर बचा कुचा खाना पड़ा हुआ था।
सलोनी बचे कुचे खाने को खाकर स्टोर रूम में जाकर सो गई। इस प्रकार सलोनी कष्टों से भरी जिंदगी बिता रही थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक सुबह मधुरिमा अखबार पढ़ रही थी, तभी अखबार पढ़ते पढ़ते मधुरिमा मोहिनी को पुकारने लगी। मोहिनी बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ माँ? मैंने चेहरे पर ब्रांडेड और महंगा फेस पैक लगाया है, जल्दी बताओ क्या बात है। अरे बेटा, तुम्हें पता है इस राज्य की महारानी कलावती कई सालों बाद आज विदेश से वापस आ रही है। उनके आने की खुशी में आज राजमहल में भव्य पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य में रहने वाले सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। हम दोनों भी चलेंगे, इसलिए आज शाम को अच्छे से तैयार रहना। ये कहकर मधुरिमा अपने कमरे में चली गई। शाम के समय मोहिनी अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी वहाँ सलोनी आई और बोली, मोहिनी मुझे अपना मेकअप का सामान दो ना, मुझे भी तैयार होना है, मैं भी पार्टी में जाना चाहती हूँ। क्या कहा तूने? तुझे मेकअप करना है? पहले अपनी शक्ल आईने में जाकर देख काली कलूटी बंदरिया। चाहे जितना भी तू मेकअप कर ले, रहेगी काली बदसूरत ही, मेरी तरह सुंदर नहीं बन सकती, समझी? मोहिनी अपनी सुंदरता पर इतना घमंड मत करो, एक न एक दिन तुम्हारा ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा। क्या कहा तूने काली बंदरिया? तुझे मेरी सुंदरता देखकर जलन होती है ना? तभी वहाँ मधुरिमा आई और बोली, मोहिनी बेटी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, और तू क्या कर रही है यहाँ? जाकर झूठे बर्तन धो। माँ देखो, ये काली बंदरिया भी हमारे साथ राजमहल की पार्टी में शामिल होने के लिए जाना चाहती है। ये मूंग और मसूर की दाल। मोहिनी की बात सुनते ही मधुरिमा गुस्से से सलोनी को थप्पड़ मारते हुए बोली, अच्छा तो तू हमारे साथ पार्टी में जाना चाहती है? तो जैसे काली कलूटी को कोई अपने दरवाजे पर पैर भी ना रखने देगा। कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन ले, तू इस घर की नौकरानी है, अपनी औकात मत भूल, समझी? चलो बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हमें पहुँचने में वहाँ देरी हो जाएगी। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी तैयार होकर पार्टी में चली गई। वहीं दूसरी ओर सलोनी आईने में अपने आप को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। काश मैं भी पार्टी में जा पाती, पार्टी में लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान जी, मैं काली और बदसूरत हूँ, क्या मुझ जैसी लड़की को जीने का अधिकार नहीं है क्या? घर का सारा काम करने के बाद भी चाचा जी मुझ पर इतना अत्याचार क्यों करती है? क्या मैं बाकी लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? ये कहते हुए सलोनी के आंखों से आंसू बहने लगे, तभी उसे बाहर से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। सलोनी ने तुरंत घर का दरवाजा खोला और बाहर देखा तो उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। सलोनी उस बूढ़ी अम्मा के पास गई और उससे बोली, अम्मा जी क्या हुआ, आप बड़े परेशान लग रही हैं। बेटी मेरी आंखें थोड़ी कमजोर है, इसलिए चलते चलते मैं रास्ता भटक गई। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकती हो? हाँ क्यों नहीं अम्मा जी, बताइए आपका घर कहाँ है? मेरा घर जंगल के उस पार है। ठीक है अम्मा जी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। इतना कहकर सलोनी बूढ़ी अम्मा को लेकर जंगल से होते हुए जाने लगी। तभी कुछ दूर चलने पर सलोनी को एक घायल चिड़िया दिखाई दी और उस चिड़िया को देख सलोनी बोली, ओह बेचारी चिड़िया, अम्मा जी आप कुछ देर के लिए इस पेड़ के नीचे बैठ जाइए, मैं उस घायल चिड़िया की मदद करके आती हूँ। इतना कहकर सलोनी उस घायल चिड़िया के पास गई और आसपास मौजूद पौधों से जड़ी बूटियां लेकर उस चिड़िया के जख्मों पर लगाया। कुछ ही पल में चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाने लगी। ये देख सलोनी मन ही मन बहुत खुश हुई। उसके बाद सलोनी बूढ़ी अम्मा को लेकर आगे बढ़ी। फिर कुछ दूर चलने के बाद सलोनी को एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ को देखकर सलोनी बोली, अम्मा जी देखिए ना, इस जंगल में सभी पेड़ हरे भरे हैं, सिवाय इस पेड़ के। लगता है इस पेड़ को काफी समय से पानी नहीं मिला। अम्मा आप 5 मिनट यहीं रुकिए, मैं बस उस पेड़ को पानी देकर अभी आती हूँ। ये कहते हुए सलोनी बूढ़ी अम्मा को एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने नदी की ओर चली गई। नदी पर पहुँचते ही सलोनी बोली,
अरे पर मैं पानी भरकर किस में ले जाऊं? ये कहते हुए सलोनी कुछ सोचने लगी। तभी उसे जमीन पर गिरे हुए ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते दिखाई दिए। सलोनी ने उन पत्तों से एक कटोरी बनाई, फिर उसमें पानी ले जाकर पेड़ों की जड़ों पर डाल दिया। पानी डालते ही पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। ये देख सलोनी को बहुत अच्छा लगा। ओह बहुत देर हो गई है, बेचारी बूढ़ी अम्मा परेशान हो रही होंगी, मैं जल्दी से उन्हें उनके घर पहुंचा देती हूँ। इतना कहकर सलोनी पेड़ के पास गई, जहाँ उसने बूढ़ी अम्मा को बैठने के लिए कहा था, लेकिन बूढ़ी अम्मा वहाँ नहीं थी। ये देख सलोनी परेशान हो गई। अरे अम्मा कहाँ चली गई? मैं तो उन्हें इसी पेड़ के नीचे बैठा कर गई थी। अम्मा कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ बेटी, तुम्हारे पीछे। जैसे ही सलोनी ने पीछे पलट कर देखा, तब बूढ़ी अम्मा एक सुंदर परी में बदल गई और बोली, सलोनी तुम बहुत अच्छी हो, सच में तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। मैं सिंड्रेला परी हूँ, मैं हर रोज की तरह पृथ्वी लोक की सैर कर रही थी, तभी मैंने तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनी। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे परीलोक का एक नियम है, हम कभी भी किसी लालची और बुरे इंसान की मदद नहीं करते। इसलिए मैंने एक बुढ़िया के रूप में आकर तुम्हारी परीक्षा ली और तुम परीक्षा में सफल हो गई। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ बादलों में ले चलती हूँ, मेरे जादू सोने और चांदी के साबुन घर में। ऐसा कहकर परी सलोनी को अपने साथ बादलों के पास जादुई सोने और चांदी के साबुन घर में ले गई। वहाँ पर एक तरफ सोने का और दूसरी तरफ चांदी का जादुई साबुन घर था। तभी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और दोनों जादुई साबुन घर में से सोने और चांदी का साबुन देते हुए सलोनी से बोली, सलोनी ये लो जादुई सोने और चांदी का साबुन, तुम एक बार सोने के साबुन और दूसरी बार चांदी के साबुन से चेहरा धोना, फिर देखना चमत्कार। परी का धन्यवाद कर सलोनी ने घर पहुंचकर जैसे ही सोने और चांदी के साबुन से अपना चेहरा धोया, वो बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। अपने आप को इतना सुंदर देख सलोनी खुशी से झूम उठी। सच में परी की दी हुई जादुई सोने और चांदी के साबुन ने तो कमाल कर दिया, अब मैं भी राजमहल की पार्टी में शामिल होने जाऊंगी। ये कहते हुए सलोनी तैयार होकर खुश होते हुए जल्दी जल्दी राजमहल की ओर जाने लगी। दूसरी ओर राजमहल में सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सलोनी ने हॉल में अपना कदम रखा, वहाँ मौजूद सभी लोगों की निगाहें सलोनी पर टिक गई और सभी सलोनी की सुंदरता की तारीफ करने लगे। तभी महारानी कलावती ने अनाउंसमेंट किया। आप सभी लोगों को हैरानी हो रही होगी कि मैं इतने सालों बाद वापस अपने देश क्यों लौटी हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने बेटे प्रभात की शादी इसी राज्य में रहने वाली लड़की से करवाना चाहती हूँ, और जिस लड़की की हमें तलाश थी वो हमें मिल चुकी है। वो जो साधारण कपड़ों में सबसे सुंदर लड़की खड़ी है, वही हमारे खानदान की बहू बनेगी। ये कहते हुए महारानी ने सलोनी की तरफ इशारा किया। ये बात सुनकर सलोनी खुशी से फूली न समाई। वहीं दूसरी ओर वहाँ मौजूद सलोनी की चाची मधुरिमा और मोहिनी जल भून गई। तभी सलोनी उनके पास आई और बोली, मोहिनी तुमने मुझे पहचाना, मैं सलोनी हूँ। क्या तुम सलोनी हो? तेरा रंग रूप इतना सुंदर कैसे हो गया, मुझे नहीं बताएगी? तुम तो मेरी बहन जैसी हो ना, प्लीज बताओ ना। ये सब कमाल जादुई सोने और चांदी के साबुन का है, जिसका इस्तेमाल करते ही मेरा रंग रूप एकदम निखर गया। सलोनी की बात सुन मोहिनी सोचने लगी, अरे वाह, जब ये काली कलौटी इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है तो मैं तो पहले से ही इतनी सुंदर हूँ, और उस जादुई साबुन का इस्तेमाल करके मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। फिर इस दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं होगा, और फिर राजकुमार प्रभात की शादी मुझसे ही होगी, इस काली कलौटी से नहीं। ऐसा सोचकर मोहिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। फिर घर पहुंचकर मोहिनी ने जादुई सोने और चांदी का साबुन जैसे ही चेहरे पर लगाया, उसका रंग बिल्कुल काला पड़ गया। अरे मैं काली कैसे हो गई? अब मेरी शादी राजकुमार से कैसे होगी? ये कहते हुए मोहिनी फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख मधुरी माँ भी कुछ ना कर पाई। इस तरह दोनों माँ बेटी को उनकी की सजा मिल गई। वहीं दूसरी ओर दो दिन बाद
बड़ी ही धूमधाम से राजकुमार प्रभात से विवाह कर सलोनी विदेश चली गई और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। सोने और चांदी के जादुई दो रास्ते। एक गांव में पवित्रा नाम की एक लड़की रहती थी। पवित्रा एक बहुत ही अच्छी और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसका इस दुनिया में उसके पिताजी के अलावा और कोई भी नहीं था। वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन अचानक से उसके पिताजी को कोई बीमारी हो जाती है। वो बहुत परेशान हो जाती है। जब वो गाँव के वैद्य जी को दिखाती है तो वैद्य जी उसे जंगल से कुछ जड़ी बूटी लाने को कहते हैं, जिसे लेने के लिए पवित्रा एक बहुत लंबे रास्ते पर निकल जाती है। पवित्रा जंगल के रास्ते पर चल रही थी, वो आगे की ओर चली जा रही थी, तभी उसके सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता चांदी का था और दूसरा रास्ता सोने का। अरे, यहाँ पर तो दो रास्ते हैं, मैं इनमें से कौन सा रास्ता चुनूं? थोड़ी देर तक सोचने के बाद पवित्रा सोने के रास्ते पर चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से पवित्रा दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। पवित्रा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और खुद से ही कहती है, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? पवित्रा थोड़ा और आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे जाने के बाद एक दरवाजे के आगे बहुत बड़ी और विशाल औरत खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उस दरवाजे की रखवाली कर रही हो। पवित्रा डरते डरते उस विशाल औरत के पास जाती है और उससे पूछती है, सुनिए काकी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन सी जगह है? मुझे अपने घर जाना है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहने वाली हो। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लेकिन आप कौन हैं और मैं यहाँ क्यों रहूँगी? मेरे पास रहने के लिए खुद का घर है। मूर्ख लड़की, अब तुम मर चुकी हो और तुम यहाँ यमलोक में हो। तुम अब वापस धरती पर नहीं जा सकती। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कब मरी? मैं तो जंगल के रास्ते अपने पिता के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ लेने जा रही थी। आते वक्त मुझे दो रास्ते दिखाई दिए थे, एक रास्ता चांदी का था और दूसरा सोने का। मुझे सोने का रास्ता ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं उसी रास्ते पर चलने लगी और फिर मैं यहाँ आ गई। तो इस बीच बताओ, मैं मरी कब? जब तुम जंगल के रास्ते से जा रही थी तभी तुम्हें एक बहुत जहरीली बिच्छू ने काट लिया था। मौके पर ही तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। मरने के बाद ही तुम्हें दो चांदी और सोने के रास्ते दिखाई दिए थे, जिसमें से तुमने एक रास्ता चुना। उस औरत की बात सुनकर पवित्रा रोने लगती है। ये सब कैसे हो सकता है? मैं अब अपने पापा को कैसे बचा पाऊंगी? मेरे पिता घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? काकी, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि वापस मैं पृथ्वी पर जा सकूं? अगर तुम कोई आसान रास्ता ढूंढ रही हो तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उसे पार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने पिता की जान बचानी है, आप बस मुझे रास्ता बताइए। तुम्हारे पास एक रास्ता है जिससे कि तुम यहाँ से दोबारा पृथ्वी लोक पर जा सकती हो। तुम ये दरवाजा देख रही हो जिसके सामने मैं खड़ी हूँ। इस दरवाजे के अंदर एक बहुत विशाल महल है। वो महल मेरा है, लेकिन एक बुरे राक्षस ने उसे हथिया लिया है। मैं उस राक्षस का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर मैं उसके सामने जाऊंगी तो वो मुझे अपनी शक्तियों से भस्म कर देगा। फिर मुझे इसमें क्या करना होगा? अगर अंदर जाकर तुम उस राक्षस को मार दोगी और मेरा महल मुझे वापस दिलवा दोगी तो मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेज दूंगी। ठीक है, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अंदर जाकर उस राक्षस का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बार फिर सोच लो, क्योंकि तुमसे पहले तुम्हारे जैसे बहुत लोग अंदर गए हैं लेकिन वापस लौटकर नहीं आ पाए हैं। तुम एक बार अंदर जाओगी तो वापस बाहर तभी आ पाओगी जब तुम उसकी हत्या कर दोगी। मुझे मंजूर है, मैं अंदर जाकर उससे लड़ूंगी। वो विशाल औरत पवित्रा की हिम्मत देखकर बहुत प्रसन्न होती है और पवित्रा को कुछ साधारण सी जादुई शक्तियाँ दे देती है।
मैंने तुम्हारे शरीर में कुछ जादुई शक्तियाँ डाल दी है। ये शक्तियाँ उस राक्षस से लड़ने में तुम्हारी मदद करेगी। अब तुम्हें इन शक्तियों का इस्तेमाल अपनी सूझबूझ से करना होगा। अगर तुम इस कार्य में सफल रही तो मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेज दूंगी। ये मेरा वादा है। वो विशाल औरत दरवाजा खोल देती है और पवित्रा उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। वैसे ही दरवाजा बंद हो जाता है। पवित्रा अंदर जाकर देखती है कि अंदर सच में बहुत खूबसूरत महल है। चारों ओर बहुत शांति थी। पवित्रा महल के अंदर घूमने लगती है। पवित्रा उस राक्षस को ढूंढ रही थी। पवित्रा ने काफी देर तक ढूंढा, लेकिन उसे राक्षस कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पवित्रा को किसी के सांस लेने की आवाज आती है। पवित्रा जब उस आवाज का पीछा करती है तो वो देखती है कि एक कमरे में वो राक्षस चैन की नींद सो रहा है। जैसे ही पवित्रा आगे बढ़ती है वैसे ही राक्षस की नींद खुल जाती है। कौन है, कौन है यहाँ? पवित्रा अपने शक्तियों का इस्तेमाल करती है और अदृश्य हो जाती है। इस वजह से राक्षस पवित्रा को नहीं देख पा रहा था, लेकिन पवित्रा राक्षस को अच्छे तरीके से देख पा रही थी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पवित्रा राक्षस की लोहे के डंडे से पिटाई करने लगती है। कौन है, कौन कर रहा है ये सब? लेकिन उस लोहे के डंडे से तो राक्षस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी बिल्कुल स्वस्थ खड़ा था। अरे ये तो बहुत शक्तिशाली है, लगता है इस पर कोई बल काम नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे इसको मारने के लिए कोई और उपाय सोचना होगा। जो भी है एक बार मेरे सामने आ जा, फिर बताता हूँ। ये सब चीजें मुझ पर काम नहीं करती। इसी तरह दो दिन बीत जाते हैं और पवित्रा को बहुत जोरों की भूख लगती है। पवित्रा अदृश्य होकर महल में खाना ढूंढने लगती है। उसे राक्षस के कमरे में कुछ फल दिखते हैं। पवित्रा फल खा लेती है। वहीं बगल में पानी रखा हुआ था। पवित्रा पानी पीकर गिलास वहीं रख देती है। तभी अचानक से राक्षस अपने कमरे में आ जाता है। पवित्रा घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो किसी को दिखाई ही नहीं दे रही है। पवित्रा के हाथों से पानी का गिलास गिर जाता है। जैसे ही राक्षस आगे आता है उसका पैर पानी पर पड़ता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। आ, कौन मूर्ख है जिसने मेरे कक्ष में पानी रखा है? राक्षस गुस्से में अपने नौकर को बुलाता है। मेरे कक्ष में पानी कैसे आया? तुम लोग अच्छे से जानते हो ना कि मुझे पानी से कितना दूर रहना है। मेरे मरने की वजह पानी बन सकती है, इसके बावजूद तुमने मेरे कक्ष में पानी रखा। माफ कर दीजिए सरकार, हमने तो आपके कक्ष में सिर्फ फल रखा था, पता नहीं पानी कहाँ से आ गया। राक्षस गुस्से में अपने उस नौकर को जान से मार देता है और उसे खा जाता है। ये सब देखकर पवित्रा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी। अच्छा तो इस राक्षस को कोई बल नहीं मार सकता, बल्कि इसकी मौत पानी से होगी। मुझे राक्षस को मारने का हथियार मिल गया। महल के थोड़ी ही दूर एक तालाब था। पवित्रा अब योजना बनाने लगती है कि आखिर राक्षस को उस तालाब तक कैसे लेकर जाया जाए। बहुत सोचने के बाद पवित्रा को एक आइडिया आ जाता है। एक दिन पवित्रा अदृश्य होकर राक्षस को आवाज लगाती है। अब तेरा अंत आ गया है राक्षस, अब तुझे मरना होगा। कौन है, कौन है वहाँ? किसकी आवाज आ रही है मुझे? मैं तेरी मौत हूँ, तुझे तेरी मौत की आवाज सुनाई दे रही है। इतना कहकर पवित्रा राक्षस के सामने आ जाती है। राक्षस पवित्रा को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तो तू मेरी मौत है। तेरे जैसे बहुत लोग आए हैं यहाँ और उनको मैंने बहुत बुरी मौत दी है, अब तेरी बारी। राक्षस पवित्रा के पीछे भागने लगता है और पवित्रा आगे आगे भागने लगती है। भागते भागते पवित्रा तालाब के नजदीक छुप जाती है। जब राक्षस तालाब के नजदीक आ जाता है तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पवित्रा राक्षस को तालाब में धकेल देती है। तालाब में गिरते ही राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, यहाँ से निकालो मुझे। कहा था ना मैंने कि तुझे तेरी मौत बुला रही है, अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। राक्षस बहुत छटपटाता है और पानी के अंदर जलकर भस्म हो जाता है। राक्षस के खत्म होते ही उसके सारे नौकर भी गायब हो जाते हैं और पूरा महल राक्षसी शक्तियों से मुक्त हो जाता है। अपना कार्य करके पवित्रा दरवाजे के पास आती है और कहती है,
दरवाजा खोलो, मैंने राक्षस की हत्या कर दी है। ये सुनकर विशाल औरत दरवाजा खोलती है। जब वो अंदर आकर देखती है तो वो देखती है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। ये तो चमत्कार हो गया, तुमने तो सचमुच राक्षस को खत्म कर दिया। अब मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। मुझे जल्दी से धरती पर भेज दो, मुझे अपने पिता की जान बचानी है। तुम यहाँ से सीधा जाओ, तुम्हें पहले की तरह दो रास्ते दिखाई देंगे। इस बार तुम्हें सोने के रास्ते पर नहीं, चांदी के रास्ते पर जाना होगा। तुम वापस पृथ्वी लोक पहुँच जाओगी। पवित्रा ऐसा ही करती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके सामने दो रास्ते आते हैं और वो चांदी के रास्ते पर चलने लगती है। चलते चलते पवित्रा जंगल में उसी जगह पहुंच जाती है। वहां पर पवित्रा को अपने पिता को बचाने वाली जड़ी बूटी भी मिल जाती है। उसे लेकर पवित्रा फौरन अपने घर पहुंचती है और अपने पिता का इलाज करवाकर उन्हें बचा लेती है और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। काली बहू और जादुई आईना। एक गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। अभी एक महीने पहले ही सोना की एक संयुक्त परिवार में शादी हुई थी। सोना दिखने में बहुत काली थी, इसलिए उसको अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। सोना की जेठानी पूनम का रंग गोरा था, इसलिए सब पूनम की तारीफ करते रहते थे। कुछ दिनों बाद सोना के देवर की शादी होनी थी, इसलिए घर की सभी औरतें अपने लिए साड़ियां खरीद रही थी। सोना की जेठानी पूनम अपने सास से पूछती है, मम्मी जी देखिए ना, कौन सी साड़ी खरीदूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे पूनम बहू, सारी साड़ियां बहुत सुंदर है, तुम इनमें से जो भी रंग पहनोगी तुम पर वो बहुत सुंदर लगेगा। तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारी साड़ियाँ खिलेगी। तभी सोना एक साड़ी दिखाते हुए अपनी सास को कहती है, मम्मी जी देखिए, ये साड़ी अगर मैं नीरज भैया की बारात में पहनूं तो अच्छी लगेगी ना? अब मैं क्या ही बोलूं बहू, तुम्हारे काले रंग पर तो कोई सा भी रंग बेकार ही दिखता है। कपड़े तो पूनम बहू पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग लगती है। सोना अपने सास सुमित्रा की बात सुनकर दुखी हो जाती है। सुमित्रा देवी की ये आदत थी, वो अपनी दोनों बहू में बहुत फर्क करती थी और इसी बात से सोना हमेशा दुखी रहती थी। अगर मेरा काला रंग है तो इसमें मेरी क्या गलती, मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद पूनम भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नीरज की शादी का दिन आ जाता है। सभी लोग बारात में पहुँचे, तब नीरज अपनी बड़ी भाभी को कहता है, पूनम भाभी मेरी मदद करो ना, आप कोशिश करना कि सोना भाभी मेरे किसी भी फोटोज और वीडियोस में ना आने पाए, वरना सारी फोटोज और वीडियोस खराब हो जाएंगी। चिंता मत करो मेरे प्यारे देवर जी, मैं उस सोना को आपकी घोड़ी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर सोना आती है और कहती है, पूनम भाभी मम्मी जी ने मुझे एक रस्म करने के लिए यहाँ भेजा है। अरे सोना, मैं कर तो रही हूँ सारे रस्म, तुम करो मैं करूँ, बात एक ही है। तुम एक काम करो, देवर जी को बहुत प्यास लगी है, इनके लिए फटाफट पानी ले आओ। सोना को पानी लेने के लिए भेजकर पूनम सारे रस्म खुद ही कर लेती है और सभी रिश्तेदार आपस में फोटोज भी क्लिक करवा लेते हैं। सोना पानी लेकर आती है तो अपने प्रति इतना भेदभाव देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो दुखी होकर अपने पति से कहती है, सुनिए मेरे पैर में जरा दर्द हो रहा है, आप लोग चले जाइए, मैं बारात में नहीं जाऊंगी और वैसे भी घर में कोई तो होना चाहिए ना। सोना के साथ अक्सर यही हुआ करता था, अब तो रोजाना सोना इन बातों से दुखी रहा करती थी। एक दिन, मम्मी जी मैं जरा बाजार से होकर आती हूँ। इतना कहकर सोना बाजार के लिए निकल जाती है और चलते चलते मन में सोचने लगती है, मैं घर से तो आ गई हूँ लेकिन मेरा घर वापस जाने का जरा भी मन नहीं कर रहा, सबके ताने सुनने की तो अब मुझ में हिम्मत ही नहीं रह गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सोना इतना सोचकर आगे बढ़ती जा रही थी, तभी उसे एक अजीब सा घर दिखता है। बड़ा ही अजीब सा घर है,
पता नहीं इसमें कौन रहता होगा। सोना जरा सा रुककर उस घर को देखने लग गई। तभी उस घर से एक जादूगरनी जैसे दिखने वाली औरत निकली। सोना उसे देखकर थोड़ा डर गई। माफ कीजिए, मुझे आपका घर थोड़ा अजीब लग रहा था, मैं इसलिए यहाँ रुककर इसे देखने लग गई। कोई बात नहीं। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। जैसे आपका घर अजीब है, वैसे ही आपका कपड़े पहनने का तरीका भी अजीब है। हाँ, क्योंकि मैं एक जादूगरनी हूँ, मेरी प्रत्येक चीजें तुम्हें अजीब ही लगेगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर सोना को एक आइडिया आता है। वो जादूगरनी से कहती है, अगर आप जादूगरनी हैं, तो क्या आप मेरे काले रंग को गोरा बना सकती हैं? बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। सोना जादूगरनी के घर के अंदर चले जाती है। जादूगरनी का घर अंदर से तो और भी ज्यादा अजीब था। तभी जादूगरनी अपने जादू से एक जादुई आईना प्रकट करती है और कहती है, काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा माया। हा 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 हा। क्या तुम्हें अपना काला रंग पसंद नहीं? मुझे अपने रंग से बहुत प्यार है, लेकिन मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे भी सुंदर और गोरा रूप चाहिए, तुम प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें इस जादुई आईने में भेज देती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस जादुई आईने का जादू हर अमावस की रात को खत्म हो जाएगा। अगर उस रात तुम्हें असली रूप में किसी ने देख लिया तो उसके बाद तुम दोबारा गोरी कभी नहीं हो पाओगी, तुम फिर से काले रूप में आ जाओगी। वो जादूगरनी सोना को जादुई आईने के अंदर भेज देती है। थोड़ी देर बाद सोना उस आईने से बहुत खूबसूरत होकर बाहर आती है। ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इतनी सुंदर बन गई, अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी जी तो मुझे देखती रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी, मैं आपका ये एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। जादुई आईने से गोरा रंग रूप पाकर सोना बहुत खुश हो गई। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान थे। फिर सोना घर के अंदर जाती है। तब सोना की सास कहती है, हाँ जी, किससे मिलना है आपको, कौन हो आप? अरे बाप रे, ये इतनी सुंदर औरत कौन है, जरा देखूं तो। फिर सोना कहती है, मम्मी जी मैं हूँ सोना, पहचाना नहीं क्या आपने मुझे? अरे सोना, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई और तेरा रंग कैसे गोरा हो गया, तू बाजार गई थी ना? हाँ सोना, मम्मी जी ठीक कह रही है, तुम्हें ऐसा कौन सा चिराग मिल गया जो उसने तुम्हारी पूरी काया ही बदल दी। उफ जेठानी जी, आप बस आम खाइए, गुठली मत गिनिए, जब मेरा काला रंग था तब भी आप लोग परेशान थे, अब जब मैं गोरी हो गई हूँ तब भी आप लोग परेशान हैं। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, और मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। और हाँ पूनम भाभी, सब्जी में मिर्च थोड़ा कम डालना, पता नहीं आजकल आप सब्जी को इतना तीखा क्यों बना देती हो। मम्मी जी आप मेरी एक साड़ी प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। इतना कहकर सोना अपने कमरे में चली जाती है। तब उसकी सास उसके जठानी से कहती है, अरे पूनम, ये अपनी सोना ही है ना, कहीं उसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई, जिसके मुंह से कल तक आवाज नहीं निकलती थी, आज वो सातवें आसमान पर चढ़ गई है, और बाहर ये लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है, चल चला चल कर देखते हैं। उसके बाद वो बाहर जाती है। वहाँ पर मोहल्ले की कुछ औरतें खड़ी थी। सोना की सास उनसे कहती है, क्या काम है आप लोगों को, मैंने सुना है कि आपकी बहू काली से गोरी हो गई है, हमें भी तो बताइए आपकी बहू ने ऐसा कौन सा उपटन लगाया है कि कुछ ही घंटों में वो इतनी खूबसूरत हो गई है। तभी सोना की जेठानी कहती है, यहाँ कोई मेला नहीं लगा हुआ है, आप लोग जाइए यहाँ से, इतनी भी हूर की परी नहीं हो गई है वो, जो आप सब उसे देखने के लिए इतने बेताबले हो रहे हैं। उनकी बातें सुनकर वो औरतें चली जाती हैं। फिर वहाँ सोना आती है और कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, मुझे किसी की आवाज़ आई थी, लगता है कोई मुझसे मिलने आया था। हाँ हाँ, मोहल्ले वाले आए थे, देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तो अचानक से इतनी खूबसूरत हो गई।
तो कोई बात नहीं मम्मी जी, देख लेने देते। और वैसे भी शाम को शहर से कुछ न्यूज चैनल वाले मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। शाम को कुछ लोग सोना का इंटरव्यू लेने आते हैं। मैम, अचानक से आपने अपना हुलिया बदलने के बारे में कैसे सोचा? बस मैं एक रंग रूप से उब गई थी, इसलिए मैंने अपने आप को बदलने का सोच लिया। फिर मैम, आपका आगे क्या प्लान है? आपने मॉडलिंग वगैरह के लिए सोचा है कि नहीं? जी, मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। उसके बाद वो इंटरव्यू वाली लड़की चली जाती है। सोना के बदलते हाव भाव से उसकी सास और जेठानी बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए परेशान होकर पूनम भाभी अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगाकर अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है। सोना के पति को भी किसी काम से बाहर जाना था, तो वो सोना से कहता है, सोना, पूनम भाभी भैया के साथ मायके गई है, मैं भी काम से शहर जा रहा हूँ, तो कल रात तक वापस लौटूंगा, तुम पीछे से माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर सोना का पति चला जाता है। सोना मन ही मन में सोचती है, चलो अच्छा है, ये भी काम से बाहर जा रहे हैं और भैया भाभी भी घर पर नहीं है, और आज वैसे भी अमावस्या की रात है, मैं अपने पुराने रूप में रहूंगी। मम्मी भी तो जल्दी सो जाती हैं, तो उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा। बस ये रात कट जाए, फिर मुझे कल सुबह अपना सुंदर रूप दोबारा मिल जाएगा। सब लोग चले जाते हैं। रात होते ही सोना अपने कमरे में आ जाती है। धीरे धीरे सोना का शरीर काला होने लगता है, वो पूरी तरह से काली हो जाती है। वो सोने ही जा रही थी कि तभी अचानक से उसकी सास की आवाज आने लगती है, आह बहू। सोना दौड़ती हुई अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, क्या हुआ आपको? लगता है मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे फटाफट इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। सोना तुरंत अपनी सास को ऑटो में बिठाकर अस्पताल लेकर चली जाती है। कुछ वक्त के बाद उसकी सास की हालत में सुधार आता है। अपने सास को अस्पताल लाने के चक्कर में सोना ये भूल जाती है कि वो अमावस्या की रात है। उसकी सास उसका असली रूप देख लेती है। सोना रोते हुए अपनी सास को सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बहू, गलती तो हमसे हुई है, तेरा मन तो बहुत साफ है, तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई। तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि अगर आज की रात तुझे किसी ने देख लिया तो तू कभी दोबारा खूबसूरत नहीं हो पाएगी, और इन सब का कारण मैं बनी। मम्मी जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद से सभी सोना की खूब तारीफ करते हैं। सोना को भी समझ आ गया था कि जादुई आईना सिर्फ ऊपरी सुंदरता बयां करता है, और जो व्यक्ति मन से सुंदर है उसकी वैसे भी हर जगह प्रशंसा होती है।